हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं इवियोन के बारे में। इवियोन मतलब कि विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इवियोन जो है, ये विटामिन ई का अगर कमी है आपके बॉडी में तो ये आपको फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या इसमें फुलफिल करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, किस क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो चीज हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि इसमें कंटेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो पहला कंटेंट जो है बेसिक ऑफ मेडिसिन, ये बेसिक इसके मेडिसिन के बारे में हम बताएंगे क्या क्या बेसिक हो सकता है। ठीक है, यूज ऑफ मेडिसिन, यूज क्या है इस मेडिसिन का, लेवल क्या है, ठीक है, वर्किंग क्या है इस मेडिसिन का, डोज ऑफ मेडिसिन कितना ले सकते हैं, ठीक है, एडल्ट में, ठीक है, और प्राइस कितना हो सकता है, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इस मेडिसिन का, वार्निंग क्या हो सकते हैं, प्रेगनेंसी कैटेगरी में लेना है या नहीं लेना है वो देखेंगे, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस वो भी देखेंगे। ठीक है, कि कौन सा ड्रग में अगर इवियोन के साथ में और कोई ड्रग लेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं बेसिक ऑफ मेडिसिन का। ठीक है, बेसिक ऑफ मेडिसिन जैसे कि इवियोन 600 जो है वो क्लास है किसका, मेडिसिन का। ठीक है, जो कि हम जानते हैं विटामिन सप्लीमेंट से। ठीक है, ये एक विटामिन सप्लीमेंट है किसका, विटामिन ई का। ब्रांड नेम जो है इवियोन 600 होगा। साल्ट कंटेंट विटामिन ई 600 mg लिया जाता है, उसी से बनाया जाता है। सोल्यूबल जो होता है इसका विटामिन ई, और एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट, उसके साथ साथ एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि तीन जो है बेनिफिट्स, मेन बेनिफिट जो है तीन में होते हैं। जैसे कि मसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा से बेनिफिट करेगा। स्किन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें विटामिन ई आपका अच्छा हेल्प करेगा। हेयर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें भी आपको अच्छा हेल्प करेगा। बात करते हैं अब यूजेस का, यूजेस में क्या क्या हो सकता है। जैसे मसल एंड नर्व डैमेज, अगर आपका मसल्स और नर्व डैमेज है तो उसमें भी विटामिन ई आपको फुलफिल करेगा, उसमें प्रॉब्लम जो हो रहा है उसको अच्छे से क्लियर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉस ऑफ सेंसेशन एंड आर्म्स एंड लेग्स, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है आर्म्स में और लेग्स में, मतलब सेंसेशन नहीं बन रहा है, सेंस नहीं कर पा रहे हैं, टच कर रहे हैं लेकिन टच हो रहा है लेकिन हमको सेंस मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है कि मतलब एक होता है ना कि हम टच कर रहे हैं और हमको पता नहीं चल रहा है कि मेरे कोई टच कर रहा है या नहीं, या आपका लेग कहीं टच हो रहा है और लेग को कुछ सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एकदम सुन पड़ गया, उसी को कह रहा है। ठीक है, विजन प्रॉब्लम, अब विजन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको लेकर के बोल रहा है। वॉकिंग एंड कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टी, मतलब कि वॉकिंग एंड कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टी, बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और चलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ले सकते हैं इस चीज को। विजन में प्रॉब्लम हो रहा है तब आप ले सकते हैं। ठीक है, टिंगलिंग अगर हो रहा है, झिझराहटपन हो रहा है पूरा पैर, तो आप विटामिन ई कमी से हो सकता है तो उसको आप ले सकते हैं। स्ट्रेस रिड्यूस करना है तो आप ले लीजिए। ठीक है, हार्ट कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हार्ट में तो उसको रिड्यूस कर सकता है। स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए दी तो आप ले सकते हैं तो अच्छा काम करेगा। ठीक है, लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल्स। ठीक है, लेवल्स की बात करें तो इसमें लेवल्स में क्या हमको मेनली देखना होता है कि ये कौन सा ऐसे अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो कौन सा इसमें केमिकल है वो देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लीजिए कि कब बना था, कब एक्सपायरी है। ठीक है, तो वो चीज़ देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेन इंटेक जो करना है दिन दिन में एक ही बार एक कैप्सूल करना है। ठीक है, ये हम आपको बता ही दिए। नेक्स्ट वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग जो है इसका, लॉस ऑफ विटामिन ई, अगर लॉस है आपका विटामिन ई के, कमी हो रहा है आपके बॉडी में, ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड करता है, मतलब फुलफिल करता है अगर आप इसको लेते हैं तो आपको बॉडी का रिक्वायरमेंट अगर है तो इवियोन कैप्सूल आपको फुलफिल करेगा, इसको लीजिएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डोज। डोज जो है एडल्ट में 1 ग्राम ही ले सकते हैं, जैसे कि 100 mg इसको बोलते हैं, और इसके साथ पानी के साथ। ठीक है, प्राइस हम देखते हैं, अगस्त 2023 में 58.08 रुपया था, 8 पैसा है। ठीक है, 10 कैप्सूल पर। ठीक है, ये ब्लिस्टर में आता है, ब्लिस्टर पैकेज में आता है। ठीक है,
साइड इफेक्ट की अगर बात करें हम, तो हेडेक हो सकता है, ठीक है, ब्लड विजन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फटीग हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, ठीक है। अगर ये सब हो रहा है तो आपको इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वार्निंग। वार्निंग में क्या है, विटामिन के की अगर डिफिशियंसी है आप में तो इसको आप नहीं ले सकते, डायबिटीज है आपके तो नहीं ले सकते, रिनल प्रॉब्लम है अगर तो नहीं ले सकते, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो नहीं ले सकते, हार्ट अटैक हो रहा है तो नहीं ले सकते, आई रेटिना डैमेज है तो नहीं ले सकते, हेडेक और नेक कैंसर है तो नहीं ले सकते, हिस्ट्री में कोई कैंसर है आपका, हिस्ट्री का अगर प्रीवियस कभी हुआ है तो नहीं ले सकते, ठीक है। यूजिंग ऑफ एस्ट्रॉयड हार्मोन, अगर यूज कर रहे हैं एस्ट्रॉयड हार्मोन खा रहे हैं तो आप नहीं ले सकते, ठीक। प्रेगनेंसी कैटेगरी में आप विटामिन ई 20 से 30 mg ले सकते हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 400 mg और 600 mg ही आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन में क्या हो सकता है, क्योंकि ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन ये है कि इव्यून के साथ में आप वारफरिन नहीं ले सकते हैं, एसिनो कोमेरोल नहीं ले सकते हैं, हेपेरिन नहीं ले सकते हैं, कोलेस्टायरामाइन नहीं ले सकते, ठीक है। ये अगर लीजिएगा तो शायद आपको बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, ओके, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको कोई और मेडिसिन के बारे में जानना हो तो कमेंट में जरूर बताएं, तब तक के लिए बाय।